खरे सब स्टेशन पर अव्यवस्थाओं को लेकर भड़के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, ले डाली डीई की क्लास। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर अपनी कार शैली को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं। ऐसा ही वाक्य तब घटित हुआ जब मंत्री शिवपुरी के खरे माड़ा से निकले। यहां से निकलते समय 132 केवी सब स्टेशन पर रुक गए और व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान बिजली की बार बार ट्रिपिंग व अन्य अव्यवस्थाओं को लेकर मंत्री तोमर खफा दिखे और डीई को फोन लगा दिया। फोन पर मंत्री ने कहा कि खरे सब स्टेशन पर काफी अव्यवस्था है, क्या आप कभी निरीक्षण करने आते हैं? जिस पर कहा कि यहां से जेई निरीक्षण करने आते हैं। मंत्री ने कहा कि जेई तो 10 दिन से लापता हैं। जिस पर डीई ने कहा कि नहीं, वह आते हैं, तो मंत्री जी ने कहा कि वे खरे सब स्टेशन पर ही खड़े हैं। यहां के ऑपरेटर्स से बात हुई है कि 10 दिन से जेई नहीं आए हैं, आप गलत जानकारी कैसे देते हैं, आप कैसी मॉनिटरिंग करते हैं? मंत्री ने डीई से कहा कि जब आप निरीक्षण करने आए तो एक रजिस्टर सब स्टेशन पर रखें और निरीक्षण की तारीख लिखें। जब डीई ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया तो मंत्री ने पूछा कि तुम्हारी नियुक्ति को कितने दिन हो गए हैं? जिस पर डीई ने कहा कि 4 साल। तब मंत्री बोले कि बहुत लंबा टाइम हो गया है आपको, और उन्होंने पीए से एमडी को फोन लगाने को कहा। जब एमडी को फोन लगा तो मंत्री ने कहा कि जी यहां की व्यवस्थाएं सही नहीं देख पा रहे हैं, बहुत टाइम हो गया है, आप जरा इन्हें देखिए और व्यवस्थाओं में सुधार करिए। इतना ही नहीं, मंत्री ने प्रबंध संचालक सुनील तिवारी को संबंधित उप महाप्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई व सहायक यंत्री व कनिष्ठ अभियंता को एक एक वेतन वृद्धि रोकने के लिए निर्देश किया। देखिए वीडियो। कई लोगों को छोड़ दोगे जब तक कुछ भी माल चला जाए आ जाए, आपका जेई आएगा नहीं, यही आएगा नहीं तो मैं बात कर रहा हूँ ना, आपका जेई कब आया है यहाँ? नहीं मैं तो रिकॉर्ड था मेरे पास, मैं तो यहाँ बैठा हूँ, सामने खड़ा हूँ। 10 तारीख से तुम्हारा ये जेई नहीं आया। अरे जब यहाँ पर आया नहीं है, मैं वो बात कर रहा हूँ आपसे, खरे में ये खरे बोलते हैं मरा खरे हाँ माड़ा नहीं आया यहाँ। मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? तो ये 10 तारीख से नहीं आया, जब सामने मुझे ये आपको, मैंने आपको ऑपरेटरों से बात कर रहा हूँ, आप गलत जानकारी कैसे देते हो? डेली मॉनिटर आप करते हो तो फिर ये मॉनिटरिंग क्यों नहीं है? रजिस्टर रखिए, रजिस्टर पे दस्तखत होने चाहिए डेट वाइज, किस डेट को आपका निरीक्षण हुआ है। और एक इंक्रीमेंट रोकिए जेई का, तत्काल प्रभाव से रोक के बताइए मुझे, 15 दिन से निरीक्षण नहीं होगा क्या? जब मैं बात कर रहा हूं और तुम उसके बाद ही तुम मतलब तो इसका मतलब तुम्हारा यहां संवाद नहीं रहता है? तो नहीं, डेली अगर संवाद रहता है तो आप मुझे बताइए 15 दिन से आपका आदमी आया जाए यहां। अरे भाई तो महीने भर में 3 बार ये 10-10 दिन में अगर जाएगा तो टर्म बनाइए ना। कितने दिन हो गए यहाँ तुमको? कितने दिन हो गए यहाँ? ना 1 महीना हो गया, मतलब नहीं पोस्टिंग हुए कितने दिन हो गए तुम्हें? 4 साल हो गए मेरे ख्याल से, ज्यादा दिन हो गए आपको शायद, ऐसा ही लग रहा है ना मुझे। एमडी तिवारी को आपको सुनील तिवारी को लगाओ। तुमने यहाँ के सैलरी के पेमेंट का कब से पेमेंट पास नहीं किया अभी तक? नहीं तो कब पास हुआ है मुझे बताइए ना आप, इनकी सैलरी कब से नहीं मिली तुम लोगों को? जनवरी की नहीं आई है, तो ये फरवरी चल रहा है, दिसंबर मिल गई है। मुझे इसमें एक्शन चाहिए, समझे? और ये तय हो जाना चाहिए कि एक बार
कभी यही आएगा तो कभी यही आएगा, कभी डी आएगा। और रजिस्टर रखिएगा सब सब स्टेशनों पे। नहीं तो जेई के पास कितने तो 300 स्टेशन में कितनी बार जाएगा आप बताइए मुझे, महीने में मुझे बताइए कितनी बार जाएगा। तुरंत क्यों नहीं, वैसे क्या करेगा, घर में बैठेगा वो। हेलो, ये मुझे लगता है ये तुम्हारा जो डी है शिवपुरी, ये ट्रांसमिशन आप 4 साल से जिस आदमी को एक साथ जगह बैठाले हुए हो, वो ये सब स्टेशन पे जब आके इनका आपका ये यही 15 दिन नहीं आएंगे तो सब स्टेशन की निगरानी क्या होगी। ये मड़ा शिवपुरी खरे है तो ये देखिए मेरा कहना है इनके रोटेशन बनाइए और जरा जिनको जो है काम करने में रुचि नहीं है, मैं आपसे स्पष्ट कह रहा हूं, ऐसे लोगों की या तो वीआरएस की बात करिए। इनकी तुम्हारी कितनी उम्र हो गई डी साहब? 35 ईयर। आप जो है ना इनकी 35 ईयर उम्र हो गई है तो ये शायद अभी नए हैं, तो आप जो है, पर ऐसा मेरा कहना है कि सब स्टेशनों पे एक रजिस्टर रखवाइए कि आपका ए कब आया, जेई कब आया और डी कब आया और एससी ने कब निरीक्षण किया। वो रजिस्टर रहना चाहिए वहां पे, उसमें दस्तखत होनी चाहिए, उसने ओके अच्छा पाया तो ओके लिखे, खराब पाया तो खराब लिखे। और यहाँ पे ये जेई जो 15 दिन से नहीं आए 10 तारीख से, उनके इंक्रीमेंट रुकनी चाहिए एक एक। ओके ठीक है, हाँ डी साहब बोलिए। नहीं ये जवाब, मैंने आपसे क्या कहा, जवाब मेरे सुन लीजिए, मेरी बात तो काम है, काम की तरह से करिए।